नमस्कार, मेरा नाम है आकाश तथा आप देख रहे हैं देश ऑनलाइन। अमेरिका और ईरान दोनों देशों के बीच में तनाव बढ़ा ही हुआ है और अभी हाल ही में बीती 8 जनवरी को एक खबर आई कि तेहरान से उड़ने वाला एक प्लेन, यूक्रेनियन प्लेन, उसको प्लेन क्रैश में एक हादसे में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। हालांकि उस प्लेन क्रैश के लिए अमेरिका और कनाडा दोनों ही ईरान को जिम्मेदार ठहरा रहे थे कि ईरान की ही वजह से, ईरान ने ही एक मिसाइल दागी है और उस पैसेंजर प्लेन बोइंग 737 जो 176 यात्रियों को लेकर उड़ रहा था, उस प्लेन को एक मिसाइल दाग कर वहीं पे क्रैश कर दिया है। हालांकि इस अमेरिका और कनाडा के द्वारा लगाए गए इन आरोपों को ईरान ठुकरा रहा था। वो इस बात से इनकार कर रहा था कि ये सिर्फ इस बढ़ते तनाव के लिए ही ऐसा करा जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, ईरान का ये कहना था। लेकिन अगर खबरों की माने तो ईरान उस समय इन सारी चीज़ों को पूरी तरह से इनकार कर रहा था, लेकिन अभी हाल ही में जो खबर आई है तो ईरान ने खुद ये कबूल किया है कि ये उसी की मिसाइल से प्लेन क्रैश हुआ है और उसने अपनी इस गलती को माना है। उसने इस बात को ये बोला है कि ये एक ह्यूमन एरर, ह्यूमन मिस्टेक के तहत एक मिसाइल हो गई, लॉन्च हो गई थी, जिसके बाद ही ये प्लेन क्रैश हुआ है। और इस चीज़ के लिए ईरानी राष्ट्रपति हसन रूहानी ने भी कहा है अपने बयान में कि वो इस त्रासदी और अक्षम्य गलती के लिए बहुत खेद है उनको, और साथ में इस प्लेन हादसे में जितने भी यात्री मरे हैं उनके लिए दुख भी व्यक्त कर रही हैं और उनके परिवार के लिए भी दुख व्यक्त कर रही हैं। आपको बता दें कि 8 जनवरी को तेहरान के कोहिमिनी एयरपोर्ट से ये प्लेन उड़ा था और उड़ने के महज कुछ ही मिनटों बाद ये एक मिसाइल क्रैश के होने के बाद ये क्रैश होकर नीचे तेहरान के पास में गिर गया था। इस प्लेन में अब तक की रिपोर्ट के हिसाब से कुल मिला के 176 लोग थे, जिसमें से 82 ईरानी लोग थे, 63 कैनेडियंस थे, 11 यूक्रेन के लोग थे, 10 स्वीडन के, 4 अफगान के और 3 जर्मन और 3 ब्रिटिश के लोग थे। तो इस चीज़ के लिए अब सभी गवर्नमेंट इसके ऊपर, ईरान के ऊपर अपना ये आरोप लगा रही है कि ये सिर्फ जानबूझ के ये इस बढ़ते तनाव को ही लेकर इन्होंने ये यूक्रेन प्लेन को क्रैश किया है, और ईरान खुद इस चीज़ को अपना गलती मानते हैं। इनफैक्ट ईरान के फॉरेन मिनिस्टर भी ये कहते हैं, जावेद ज़रीफ भी, ये इन्होंने ये चीज़ अपने मीडिया को दिए बयान में ये साफ बोला है कि वो इस गलती के लिए, इस अक्षम्य गलती के लिए उनको खेद है, ये एक ह्यूमन एरर की वजह से ही, एक ह्यूमन मिस्टेक की वजह से ये मिसाइल लॉन्च हुई और उसके बाद ये प्लेन क्रैश हुआ है। हालांकि इस प्लेन क्रैश के बाद यूक्रेन ईरान से अपने इस नुकसान का मुआवजा मांग रहा है। अब जब इस दौरान जहां पर ईरान और अमेरिका दोनों देशों के बीच में, दोनों ताकतवर देशों के बीच में जब तनाव की स्थिति ऐसी बनी हुई हो, उस समय ईरान के द्वारा इस तरह की एक गलती, जो कि एक गलती बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, तो ये कहना मुश्किल नहीं होगा कि शायद ईरान, अमेरिका ईरान को इस चीज़ को घेरे में लेकर यूएनओ तक पहुँचे, इस बात के लिए कहा नहीं जा सकता है। लेकिन जिस तरीके की गलती ईरान ने इस बार करी है, एक यूक्रेनियन प्लेन को मिस्टेक, हालांकि अब सच्चाई क्या है ये बात तो स्पष्ट से नहीं कही जा सकती है, लेकिन अब सच तो ये है कि ईरान ने अपनी इस गलती को मान लिया है। बाकी की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ देश ऑनलाइन में। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देश ऑनलाइन पल्स ऑफ पीपल और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आप अपडेट पाएं हमारे नई वीडियो।